दोस्तों, भगवान शिव का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर शहर तमिलनाडु में स्थित है। हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में विश्व धरोहर घोषित किया है। यह एक प्राचीन और आश्चर्यचकित कर देने वाला हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि यह बिना नींव के ही सालों से खड़ी है, और इस मंदिर का निर्माण के लिए तकरीबन 130,000 टन से अधिक ग्रेनाइट यूज किया गया है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी नंदी जी की प्रतिमा बनी हुई है। इसके अलावा यह वही मंदिर है जिसके ऊपरी भाग पर बने गुम्बद की छाया जब सूरज अपने चरम पर होता है तब कभी भी धरती पर नहीं पड़ती। फिर इस मंदिर के आराध्य भगवान शिव है, इसलिए यहाँ मुख्य मंदिर के अंदर 12 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। यह द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य मंदिर और गोपुरम निर्माण की शुरू से यानी 11वीं सदी से बने हुए हैं। इसके बाद मंदिर का कई बार निर्माण, जीर्णोद्वार और मरम्मत हुआ है। देखा जाए तो युद्ध और मुगल लुटेरे के आक्रमण और तोड़फोड़ से हुई मंदिर को काफी क्षति हुई थी। बाद में जब हिंदू राजाओं ने पुनः इस क्षेत्र को जीत लिया तो उन्होंने इस मंदिर को ठीक करवाया और कुछ अन्य निर्माण भी करवाए। बाद के राजाओं ने मंदिर की दीवारों पर पुराने पड़ रहे चित्रों का पुनः रंग करवाकर उसको संवारा। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस अद्भुत प्राचीन मंदिर के बारे में। दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित हिंदू धर्म से जुड़ी एक हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल है। देखा जाए तो यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इसका निर्माण चोल वंश के द्वारा करवाया गया था। चोल वंश के द्वारा इस मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी के दौरान करवाया गया था। इस मंदिर में भगवान शिव की नित्य की मुद्रा में स्थित मूर्ति है जिसे नटराज के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को राजेश्वर मंदिर और पेरिया कोविल नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक महाराजा राजा राज प्रथम के द्वारा 1000 से 1009 ईस्वी के दौरान करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण करने में तकरीबन 5 साल का समय लगा था। इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम राजेश्वर मंदिर रखा गया था। बाद में इसका नाम बृहदेश्वर मंदिर मराठों द्वारा बदली गई। उसके बाद एक बात और, अगर 5 साल में मंदिर बना तो आखिर कितने लोगों ने इसमें काम किया होगा, और टेक्नोलॉजी भी उस जमाने में कैसी थी कि निर्माण इतने कम समय में हो गया, जो कि आज असंभव है। मंदिर जल्दी बना इसका मतलब यह नहीं है कि मंदिर में कोई कमी रह गई हो या गलती हो गई हो। ये अद्भुत मंदिर 6 बड़े भूकंपों का सामना कर चुकी है, पर इसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वैसे आपको बता दें कि महाराजा राज प्रथम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह इस बृहदेश्वर मंदिर के अलावा और भी कई शिव मंदिर का निर्माण करवाए थे। दोस्तों, मंदिर का प्रमुख आकर्षण 216 फीट लंबा टावर है जो कि इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर से देखा जा सकता है। जब पर्यटक यहां आते हैं तो यह टावर काफी दूर से ही दिखाई देता है। इसके अलावा यहां पर एक और प्रमुख चीज है, नंदीबैल जी की प्रतिमा जिसकी ऊंचाई तकरीबन 2 मीटर लंबी और 6 मीटर के साथ चौड़ाई में 2.5 मीटर है। यह प्रतिमा तकरीबन 20 टन वजन का है और यह एक ही चट्टान से बेहतरीन कारीगरी करके बनाया हुआ है जिसकी खूबसूरती देखने लायक है। इसके अलावा इस मंदिर की सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि इस मंदिर की गुम्बद की छाया जब सूरज अपने चरम पर होता है तो कभी भी छाया धरती पर नहीं पड़ती है। यह एक रहस्य है। इसे जानने के लिए दुनिया भर के वास्तुकार और शिल्पकार भी आए, इसलिए इस मंदिर को वर्तमान समय में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। दोस्तों, इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि इस मंदिर के ऊपरी सिरे पर बना हुआ गुम्बद की छाया पृथ्वी पर कभी नहीं पड़ती, भले ही सूरज का प्रकाश किसी भी दिशाओं पर पड़े। दोपहर के समय भी इस मंदिर के नीचे के कुछ हिस्सों की परछाइयां जमीन पर दिखती है, लेकिन इस मंदिर के ऊपर हिस्से पर बने गुम्बद की परछाइयां कभी धरती पर नहीं बनती। इस घटना से जुड़ा रहस्य आज भी बना हुआ है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के ऊपर हिस्से पर 80 टन का चट्टान ग्रेनाइट का बना हुआ गुम्बद जिसके ऊपर एक स्वर्ण कलश भी स्थापित किया गया है, यह कैसे संभव है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता। सोचने वाली बात यह है कि मंदिर के ऊपरी हिस्से पर केवल एक ही 80 टन वजन का एक विशालकाय पत्थर से बना हुआ है। इसके बारे में आश्चर्य की बात यह है कि जिस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय ना तो क्रेन जैसी कोई मशीन थी और न ही कुछ, तो इतना बड़ा पत्थर को इस मंदिर के ऊपरी हिस्से पर कैसे रखा गया होगा। लेकिन माना जाता है कि 6 किलोमीटर लंबा एक रैंप बनाया गया था जिस पर इंच दर इंच खिसकाते हुए इसे मंदिर के शिखर पर ले जाया गया था। दोस्तों, इस मंदिर के सबसे आश्चर्यजनक करने वाली बात यह है कि इस मंदिर को बनाने के लिए नींव नहीं बनाई गई, मतलब कोई मिट्टी खोदी नहीं गई, समतल जमीन पर भी काम को अंजाम दिया गया था। और यह सबको बहुत आश्चर्यचकित करती है कि आखिर बिना नींव के यह 130,000 टन ग्रेनाइट से बना मंदिर आखिर खड़ी कैसे। लेकिन इस मंदिर को बनाने के लिए ग्रेनाइट कहां से आया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जबकि आसपास कोई पहाड़ या चट्टान वाली कोई जगह मौजूद ही नहीं है, फिर संभव कैसे है।
फिर आपको इस मंदिर के दीवारों पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियों को नकाशा गया है। देखा जाए तो ग्रेनाइट की चट्टान इतनी कठोर होती है कि उन्हें काटने और छेद करने के लिए खास हीरे के टुकड़े लगे औजार का प्रयोग करना पड़ता है। उस कालखंड में बिना आधुनिक औजारों के मंदिर में लगी चट्टानों को कैसे तराश कर महीन कलात्मक मूर्तियाँ बनाई गई होगी, यह भी एक आश्चर्य का विषय है। इसके अलावा इस मंदिर का शिखर ऐसा लगता है कि उसे किसी रंग से पोता गया हो, लेकिन वह किसी प्रकार का रंग नहीं है, वह एक पत्थर का वास्तविक रंग है। यह भी अपने आप में एक अनूठे चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, इस बृहदेश्वर मंदिर को ग्रेनाइट के शिलाखंड द्वारा बनाया गया है, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस शिलाखंड को आपस में जोड़ने के लिए किसी भी गूंद या चूना या सीमेंट से नहीं चिपकाया गया, बल्कि इन पत्थरों को आपस में पजल की तरह फिक्स किया गया है कि इस मंदिर को देखने से ऐसा लगता है कि किसी केमिकल से चिपकाया गया होगा। दोस्तों, मंदिर में खुदे हुए लेखों से पता चलता है कि इस मंदिर में प्रतिदिन जलने वाले दीयों के लिए घी की अबाधित पूर्ति के हेतु सम्राट राजा ने मंदिर को 4000 गायें, 7000 बकरियां, 30 भैंसे व 2500 एकड़ जमीन दान दी थी। मंदिर व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए 192 कर्मचारी भी रखे गए थे। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े हुए कई आश्चर्यचकित कर देने वाले रहस्य हैं, इसलिए यहाँ जानने और देखने के लिए लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा विदेशों से भी काफी संख्या में यहाँ आया करते हैं। वैसे दोस्तों, इस मंदिर के बारे में जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अपने परिवार को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।